जीवन में कुछ हासिल करने के लिए शास्त्रों में तीन चीजें बताई हैं कि इनके उपाय से कुछ भी हासिल हो सकता है। वो तीन चीजें हैं मणि, मंत्र और औषधि। वो चीजें हैं मणि, मंत्र और औषधि। अभी आप लोग साधना करने बैठे हो तो मंत्र के सहयोग से आप लोग मनोवांछित को पाने की कोशिश कर रहे हो, मनोवांछित को पाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मणि यानी रत्न, देखो कई लोग रत्न धारण करते हैं, रत्नों में उन ग्रहों की ऊर्जा को स्वयं में रखने की ताकत है जिन ग्रहों के बल से आप मन चाहा शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पुखराज है, नीलम, बन्ना, मूंगा, मोती, ऐसी चीजों का लोग उपयोग करते हैं जिसको मणि कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र में, बौद्ध धर्म के धम्म पद में, वेदों में, सब जगह इन रत्नों के बारे में अलग अलग प्रकार से विवरण है और पुष्टि है कि मणि यानी रत्न मन चाहा काम करता है। तीसरा है औषधि। औषधि यानी विभिन्न प्रकार के ऐसे वस्तु जिन वस्तुओं को प्राप्त करके मनोवांछित सिद्ध होते हैं। हम जितने चीज यूज करते हैं घर में, खास करके बहनें जो रसोई में उपयोग करती है, वो हर चीज डर मिटाने वाला, दुख मिटाने वाला, समृद्धि को आकर्षित करने वाला। रसोई में जो चीज भी आप खाते हो, राई से लेके, जीरा से लेके, सौंफ से लेके, इलायची से लेके, दालचीनी, तेज पत्ती से लेके, मसाला में उपयोग होने वाला मिर्च, नमक से लेके, हर चीज दुख का निवारण और समृद्धि को आकर्षित करने वाली सभी दिव्य औषधियां हैं जो भोजन में हम लोग उपयोग करते हैं। सब में कोई ना कोई शक्ति है। मैंने पहले एक वीडियो भी डाला कि होटलों में जो मिश्री और सौंफ देते हैं, जैसे खाना होने के बाद एक कटोरे में हर होटल में रखा रहता है मिश्री सौंफ, भोजन करने के बाद मिश्री सौंफ खाओगे तो आपका शुक्र बलवान होगा, और जिसका शुक्र बलवान होगा वो निश्चित समृद्ध और सुखी होगा। ये अपने आप ही वो व्यवस्था प्रकृति का बना हुआ है। होटलों में इसको समझ के कोई रखता नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है, तो परंपरा सब रख रहे हैं, वो भी रख रहा है, हम भी सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं कि इसमें ऐसी शक्ति है। तो ऐसी चीज़ों में सबसे सरल अगर कोई चीज है तो हमारे अवचेतन मन को, हमारे अंदर के शक्तियों को आंख के द्वारा देखने वाली चीजों से भरना। देखो मंदिर जाते हैं हम, या तो देवी होगी या देवता, दो में एक ही है। किसी भी मंदिर में जाओ, या तो उधर देवी होगी या देवता। देवी यानी स्त्री, देवता यानी पुरुष, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती, चिन्नमस्ता, धूमावती। कितनी देवियां हैं बताओ? विजया, जया, अजिता, पराजिता, शिवा, गौरी, रंभा, वैरोट्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, चिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनिया, लक्ष्मी, दूति, मती, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भगवती, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, भैरवी, त्रिनेत्री, शक्ति, हिंगुला, हिंगोली, बागबादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंबरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कुष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, शुतदेवी, जिनबानी, विद्या वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रेमकारी, आई माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, भरदानंददायिनी, नित्या, ब्रह्मानी, बागबली, सिंहमराला, समारूढ़ा, एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, एकदशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशी, पराषोडशी, महाषोडशी। कितनी होगी देवी? अब ये जितनी स्त्रियां बैठी है, भगवान ने सबका अंग समान बनाया। देवी याने देव,
अब इनमें फर्क क्या आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवताओं के हाथ के अस्त्र शस्त्र है ना। देवी तो सब देवी ही है, स्त्री याने सब स्त्री, पुरुष याने सब पुरुष। अब इसमें भेद क्या है उनकी शक्ति का, वो भेद है उनके वाहन आसन और अस्त्र शस्त्र का, इसमें भेद है। कोई भी देवता देखिए, देव याने देव, शंकर जी ले लो, पंचमुख है शंकर, लेकिन वैसे हम दिखाते हैं एक ही मुख। ब्रह्मा जी ले लो, पुरुष याने पुरुष, स्त्री याने स्त्री, उनमें फर्क क्या है? उनके हाथ के अस्त्र शस्त्रों में फर्क है, उनके आसन में वाहन में फर्क है। और ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आंखों के द्वारा अंदर जाके आपके अंदर पूर्व जन्मों के सोए हुए शक्तियों को जगाने का काम ये अस्त्र शस्त्र आसन वाहन इन सब में एक एक शक्ति है। मैं आपको लिख के देता हूँ, देखिए ये भैरव, भैरव के आठ स्वरूपों में एक स्वरूप है। इस स्वरूप में उनका वाहन क्या दिख रहा है आपको, बोलो जोर से, क्या? घोड़ा, हाँ घोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना घोड़ा। आपको बता दूं कि सुबह उठ के रोज घोड़े का अगर चित्र देखते हो आप, ये सब हमारे दिमाग के अंदर घुस के अवचेतन मन को जगाते हैं। आपको मालूम नहीं है, मैंने आपको परसों एक 10 दिन पहले बोला था कि किसी का पेशाब रुक जाए, किसी भी हालत में नहीं लगे पेशाब। भाई रुक गया पेशाब, गर्मी के कारण कई बार पेशाब रुक जाता है आदमी का, निकल नहीं पाता पेशाब। तो बाथरूम का नल खुला छोड़ोगे ना, वो नल से पानी जाने के दृश्य को आप देखो, अधिक से अधिक एक मिनट के अंदर आपको पेशाब लग जाएगा। अब वो नल में पानी आप करके देखो, ये किसी भी प्रसाद पेशाब रुके हुए को बताओ, आपका पूरा जीवन अवचेतन मन के खेल से चलता है। आपको पता ही नहीं है कि आपका अवचेतन मन कैसे कैसे आपके जीवन को निर्धारित करता है। अब देखो कहीं बाथरूम में पानी जा रहा है नल में, आपके शरीर को उससे क्या संबंध? जब भी पानी का बहाव देखोगे आपके अंदर पानी बहाने की शक्ति आ जाएगी, इसलिए पेशाब निकलने लगता है। आपका अवचेतन मन उस काम से जुड़ता है, आप ये समझो कि आपका अवचेतन मन कैसे आप काम से जुड़ता है। ये घोड़ा जो देखेगा वो कैसा भी आलसी हो, कैसा भी नालायक हो, अगर 21 दिन तक रोज देखेगा तो 22वें दिन वो ऐसे दौड़ेगा कि अपना काम करने में सबसे आगे होगा। ये ज्यादातर देवता देखो या तो गाय पर रहेंगे, बेल पर, शिव जी देखो किस पर बैठे हैं, या तो लक्ष्मी जैसी देवी को देखो हाथी पर रहेगी, गजलक्ष्मी, या तो हाथी पास में रहेगा। ये सब चिन्ह आपके अंदर जाके आपके अंदर के जन्मों की कोई संबंध को जगाते हैं ये सब शक्तियां। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे हर प्रकार से सुख चाहिए वो नास्तिक हो, क्योंकि पूजा आजकल बहुत कम लोग कर रहे हैं, अधिकतर भगवान है या नहीं इस चर्चा में लगे हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान है या नहीं। इन बातों को छोड़ के इन मूर्तियों के साथ जुड़ के चलेंगे तो इन मूर्तियों के चिन्ह अस्त्र शस्त्र आसन वाहन आदि हमारे अवचेतन मन को जगा के हमको संसार का सर्वोत्तम पद सुख यश और वैभव देने की शक्ति रखते हैं। इनमें वो ताकत है जिसको आज अंग्रेजी लोग मानते हैं, विदेशों में इसको साइको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। साइको सिंबॉलिज्म यानी ऐसे चिन्हों को दर्शन कर करके रोज उन शक्तियों को प्राप्त करके मन चाहे लक्ष्य तक पहुंचना, इसको साइको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। अभी आप लोग लक्ष्मी की साधना में बैठे हो तब मुझे ये बात याद आया, सरस्वती में लक्ष्मी में फर्क क्या है महाराज? सरस्वती वीणा पुस्तक लेके बैठी है, लक्ष्मी कमल लेके बैठी है तो दोनों स्त्री के, एक स्त्री है ना एक पुरुष है, दोनों स्त्री है। एक कमल लेके बैठी है, एक वीणा पुस्तक लेके बैठी है। आपको पता है कि ये कमल है क्या? देखो आपको बताता हूं, इस संसार में यश में आप मैं जो जो बोलूं अगर उसमें लगता है तो हाथ ऊंचा करना। आप इस संसार में यश में सबसे ऊपर होना चाहते हो क्या?
धन में ऊपर होना चाहते हो क्या? हाँ, सुख में ऊपर होना चाहते हो क्या? आरोग्य में ऊपर होना चाहते हो क्या? सब में ऊपर होना चाहते हो तो गुरु उच्च का हो तो ही ये संभव है। जन्म कुंडली में गुरु उच्च का, देव गुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, गुरु उच्च का हो तो ही संभव है। गुरु कहाँ उच्च का होता है पता आपको? पुष्य नक्षत्र में उच्च का होता है गुरु। किस में उच्च का होता है? पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में गुरु उच्च का, जब भी पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु उच्च का होता है। इसलिए गुरु पुष्य का और रवि पुष्य का तो अभी थोड़े दिन पहले महत्व मैंने समझाया। पुष्य गुरु उच्च का होने का स्थान है और रवि पुष्य में अगर साधना करोगे, कोई अच्छा काम शुरू करोगे तो पुष्य में गुरु उच्च का होता है और रवि में सूर्य है तो सूर्य गुरु की दृष्टि से हर काम सिद्ध होंगे। इसलिए रवि पुष्य का महत्व मैंने पहले भी बताया आपको कि रवि पुष्य का ऐसे महत्व है। अब आपको बताऊं कि पुष्य में गुरु उच्च का होता है, जिसका गुरु उच्च का होगा इस संसार का सबसे सुखी आदमी होगा। वो सबसे सुखी हर प्रकार से, सुख याने कोई एक सुख नहीं। अभी तुम लोगों को एक सुख आ रहा है तो तीन दुख आ रहा है अलग अलग टाइप का, उसको ये सुख की सुख आएगा जिसको पुष्य में गुरु उच्च का होने के बाद। तो ये पुष्य नक्षत्र का जो चिन्ह है, पुष्य नक्षत्र का, नक्षत्रों के चिन्ह के बारे में मैंने बहुत बार बोला है, पुष्य नक्षत्र का चिन्ह है कमल। क्या अब लक्ष्मी किसको लेके बैठी है? तो ये लक्ष्मी के हाथ के कमल का दर्शन करते हो तो अपने आप आपका गुरु उच्च का होता है, ये लक्ष्मी की सिद्धि है। इसलिए लक्ष्मी से, लक्ष्मी के हाथ का कमल को अगर देखोगे, हरदम कमल देखो, देवों के चरण में कमल छड़ता है, क्योंकि कमल छड़ाने से, देखने से, पूजने से आपका गुरु उस चिन्ह से जुड़ता है, वो चिन्ह नक्षत्र से जुड़ा है। कमल सदा गुरु को ऊंचा करता है। किसको ऊंचा करता है? हाँ, और ध्यान रखना, पुष्य नक्षत्र है शनि का नक्षत्र। किसका नक्षत्र? पुष्य नक्षत्र है शनि का, लेकिन उसमें गुरु उच्च के होते हैं। तो गणि शनि और गुरु का संयोग होता है। कितना भी पुष्य नक्षत्र में उस समय जन्मा हुआ वो जातक अपनी जिंदगी में शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, यानी जीवन में दुख क्या है ये कभी जानेगा ही नहीं, वो सदा सुख में मजा लेगा। उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दुख क्या चीज है मेरे जिंदगी में। और ये जो चिन्ह है कमल का, ये पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में आता है। इसमें आता है कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि चंद्र का। अब चंद्र गुरु की युक्ति कोई गजकेसरी योग कहते हैं। कौन सा योग? गजकेसरी। अब देखो, ये कमल को देखने मात्र से पुष्य में गुरु उच्च का होता है, नक्षत्र शनि का होने से शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ के शनि की जितनी बाधा है उसको समाप्त करता है, और ये नक्षत्र चंद्र की राशि में होने से चंद्र गुरु की युक्ति से गजकेसरी योग भी होता है। एक लक्ष्मी का फोटो का दर्शन, मूर्ति का दर्शन करने मात्र से राशि का, नक्षत्र का और ग्रह का इतना प्रभाव खाली वो कमल देखने से मिलता है। हाँ, वो हमको पता भी नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं और उसकी शक्ति कितनी है, हमको पता तक नहीं चलता। एक एक चिन्ह कितने हमारे दिमाग में काम करते हैं। देखो, माँ देवी शेर पर बैठी है, देखो हाथ में त्रिशूल लेके बैठी है। हाँ, है ना, त्रिशूल चक्र सब लेके बैठी है, सिंह बागन पर खड़ी है कि नहीं माता जी? त्रिशूल लेके देवी पार्वती खड़ी रहती है। त्रिशूल क्या है? देखो, आज भी दुनिया में आपके ऊपर कोई भी जादू टोना करने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोई कोशिश करेगा और तिराहा पर ही जाके करेगा। आपने सुना होगा, तीन रोड जहाँ होते हैं एक जगह सम्मिलित, वो चौराहा चार रोड वाला, तिराहा तीन रोड वाला जगह, उस जगह पर जाके ही वो कुछ भी करता है। ये जगह जो है तिराहा का, वो राहु का स्थान होता है। तीन रोड जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ राहु का स्थान होता है, और राहु ही तंत्र मंत्र के असर किसी पर डालने वाला ग्रह है।
आपके जीवन में किसी की आपत्ति आ रही है तो वो राहु से ही आएगी। और भगवती भी त्रिशूल लेके बैठी है। क्या लेके बैठी है? त्रिशूल। हाँ, देवी दुष्टों का दलन करने वाली, सुंभ निसुंभ का वध करने वाली, चंड मुंड का वध करने वाली माँ हाथ में त्रिशूल लेके बैठी है। इधर तांत्रिक भी तिराहे पर ही जाके सब तंत्र क्रिया करता है, ये भी त्रिशूल लेके बैठी है। इसका अर्थ क्या है? आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ आते हैं उसका मूल कारण राहु ग्रह से वो योग जो मंत्र तंत्र का असर आपके जीवन में आ रहा है, तो ये त्रिशूल लेके उसमें भी तीन है। तिराहे में कितना है? तीन। उधर मंत्र तंत्र होता है ना, आप पर दुख आता है, इसके हाथ में भी त्रिशूल है। वो त्रिशूल आपके सामने आने वाले सभी विपत्ति आपत्तियों को नाश करके राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचाता है। इसलिए जो त्रिशूल का दर्शन करेगा दुष्टों के दुष्क्रियाओं से सदा मुक्त रहेगा, उसको किसी के कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जीवन में काम नहीं करेंगे। ये वो त्रिशूल की शक्ति है, आप समझ रहे हो। तो चक्र का अलग चिन्ह का प्रभाव है, शंख का अलग प्रभाव है। विष्णु के हाथ में शंख है, शंख को बराबर देखते रहो। आप जब भी एग्जाम में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रोज बराबर विष्णु के दर्शन करके चरण वंदन करके फिर उस शंख को एक मिनट तक अपलक नेत्र से देख के फिर जाओ और अपनी कर्म और अपने प्रयत्न को बराबर करते रहो। आजकल आपका प्रयत्न पूरा व्यवस्थित हो, परिश्रम अच्छा भी हो तो कंपटीशन का जमाना होने से मिलना मुश्किल हो गया पद और नौकरियां। लेकिन जब ये शंख को बराबर देख के अपने कर्म को परिश्रम को व्यवस्थित करोगे, ये शंख आपको विजय दिला के ही रहेगा। शंख के चिन्ह में विजय की शक्ति है। क्या शक्ति है? विजय की शक्ति। तो ये सभी चिन्हों में एक एक ताकत है, लेकिन इन सभी चिन्हों के ऊपर काम करता है आपका भाग्य। क्या काम करता है? भाग्य। अब भाग्य में आपको जो भी लेना है वो चौथे स्थान से मिलेगा। मैंने बताया चौथे स्थान से आपको भाग्य में जो लिखा है चौथे स्थान से मिलेगा। कौन से स्थान से? चौथे स्थान से। चौथा स्थान आपके पूर्व पुण्य, पुरुषार्थ, पूजा का फल और पूर्वजों की कृपा। पुरुषार्थ, पुण्य, पूर्वजों का भक्ति और पूजा, चारों पू, ये चारों पू को दिलाने वाला शक्ति है चतुर्थ स्थान। 12 जो आपकी कुंडली के 12 स्थान हैं, 12 में भी 12 आदित्य निवास करते हैं, उनका काम है ये। देखो आपको पता है कि भाई एक एक मेरे जन्म कुंडली में स्थान है, वहाँ कोई ग्रह बैठे हैं, ये बैठे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आपके 12 स्थानों में 12 आदित्य निवास करते हैं। वो 12 आदित्यों का काम है कि आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है तो उसका पुण्य आपको देना, आप पूजा कर रहे हो तो उसका पुण्य आपको देना, आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसका फल आपको देना, आपके पूर्वजों ने कोई अच्छा काम किया है तो वो काम का संचित पुण्य। जो अभी देखो कई लोग दान धर्म करते हैं और दान धर्म करके वो मुक्त हो जाते हैं शरीर से, तो वो अगला जन्म लेके वापस उस पुण्य को भोगने के पहले पितृलोक में पड़े रहते हैं। जब तक वो पुण्य संचित रहता है वो पुण्य उनके आगे की पीढ़ियों में काम करने लगता है। वो पुण्य को ये आदित्य देते हैं आपके पास, वो आपका मेहनत का नहीं, आपके बाप का मेहनत का पुण्य। कोई बोले कि बाप का मेहनत हमको कैसे काम करेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद भी काम करता है। इस प्रकार से आदित्य उस फल को लेके आपके जीवन में देते हैं। 12 आदित्य हैं। कितने? 12। ये 12वां आदित्य आपके पुण्य के पाप के फल को आपको देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि वैशाख महीने के अक्षय तिथियों में द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला और वो अपने वनवास में अपने पति के साथ साथ हजारों लोगों को खिलाने की ताकत सूर्य देव से उस अक्षय पात्र से प्राप्त की। सत्राजित को श्यामंतक मणि सूर्य देव से मिला
और ये भी अपने जन्म से चौथे महीने में ही वो श्यामंतक मणि पाए, और द्रौपदी भी अपने जन्म के महीने से चौथा महीना वैशाख महीने में ही वो अक्षय पात्र को धारण किया, सूर्यदेव से प्राप्त किया। आपके जीवन में भी आपके जन्म से चौथे महीने में ही आपका भाग्य छुपा हुआ है। आपके जन्म महीने में कोई लेना देना नहीं है, आपका भाग्य किधर छुपा है? चौथे महीने। तो आप क्या जानते हो कि आपका जन्म महीना कौन सा है? जानते हो हिंदी में? जानते हो? इंग्लिश वाला नहीं, वो तो अभी इसमें काम नहीं करता। हाँ, कौन जानते हैं? तो आपके महीने से चौथा महीना कौन सा है? वो आदित्य का। अगर रोज 108 बार उस आदित्य का जाप करोगे, 21 दिन में देखोगे कि भाई मेरे सोए हुए भाग्य जग रहे हैं और मेरे अंदर वो कुछ शक्ति आई जो आज तक मेरे जीवन में नहीं है, वो काम हो रहे हैं जो आज तक नहीं हुए, वो शक्ति आ गई जो आज तक नहीं था, वो चीजें आ रही है जो आज तक मेरे जीवन में नहीं आई। इसको भाग्य आदित्य कहते हैं, छोटे आदित्य को भाग्य आदित्य कहते हैं। बेटे हाँ, बहुत अच्छा महाराज, आप तो बता दो, हम तो काम में लगना है, हमको बाकी चीजें हमको क्या, हमको तो क्या करना है? काम में लगना है। काम में यानी किस काम में? हा? तो अब महाराज उस आदित्य के बारे में हम देखते हैं कि हमारा आदित्य कौन है। जिसको जानकारी नहीं हो वो जान, कई लोगों के जन्म कुंडली नहीं उनको पता ही, कई ऐसे पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको अपने जन्म कुंडली के बारे में या कुछ पता नहीं है कि भाई कब जन्मे। कई लोगों को पुराने बुजुर्ग मेरे पास माताएं पुरुष आके कहते हैं, गुरुदेव हमको तो जन्म तारीख जन्म महीना ही पता नहीं, हमारे पास कुंडली नहीं है, ऐसे कई लोग कहते हैं। वो लोगों के लिए जिसको जन्म कुंडली का पता ही नहीं है, वो 12 आदित्य का नाम 12 बार बोल लिया करें पूरा ही, उसमें एक तो तुम्हारा चौथा आदित्य होगा ही ना भाई। कहाँ जाएगा वो, कहाँ छुपा रहेगा? उस 12 में ही है 12। पूरा 12 का भी बोलोगे तो हर स्थान का फल देगा। 12 आदित्य का 12 बार नाम ले लोगे जिस पूरा, तो हर आदित्य एक एक स्थान पर एक एक प्रकार से शक्ति डालता है। कोई लाभ स्थान में शक्ति देता है तो कोई मृत्यु स्थान को बल देता है ताकि आयु वृद्धि हो। 8वां स्थान मृत्यु स्थान है आपका, काल स्थान है, तो वो काल स्थान में ये 8वां आदित्य बल देता है ताकि अपमृत्यु नहीं हो, कोई विपत्ति नहीं आए, कोई संकट नहीं आए। तो हर आदित्य का एक एक काम है। 12 ही आदित्य का सुबह उठ के रोज 12 बार अगर नाम ले लिया जाए, 12 बार, तो निश्चित पूरे कंप्लीट पैकेज के साथ आशीर्वाद हमारे को प्राप्त हो जाता है, और पूरा आशीर्वाद का एक पैकेज हमारे लाइफ में आ जाता है, आता है। तो अब वो आदित्य क्या है और कैसे है, मैं खुद अभी उस दिन बोर्ड में लिखा था, कोई माता जी ने या हमारे भाई जो पहले पुलिस कंट्रोल में थे, वो पुलिस वायरलेस कंट्रोल वाले भाई लिखे थे, लेकिन मैं खुद अभी इसको कंट्रोल में लेता हूँ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हेलो, बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री बसंत विजय जी महाराजा की जय। कृपा सिंधु गुरुदेव की कृपा बरस रही है। और उस कृपा में हम सभी निहाल हो रहे हैं। जय जय गुरुदेव। बोलिए पद्मावती माते की, बोलिए भैरव जी महाराज की जय। करुणामय करुणा सागर गुरुदेव समय समय पर संसारियों को जगाने के लिए सतत रूप से अनवरत रूप से हमें
अपनी साधना के माध्यम से जागृति देते हैं और हमारे जीवन में मंगल कैसे हो बस यही प्रेरणा देकर हमें ऊर्जावान बनाते हैं। ये चौथा स्थान है। चतुर्थ आदित्य आपके भाग्य के चीजों में क्या क्या कंट्रोल करते हैं। पहले पुरुषार्थ, पुरुषार्थ याने क्या, पुरुषार्थ याने क्या बच्चों? मेहनत। पूर्वजों की कृपा, क्योंकि सूर्य ही सभी पितृलोक के अधिष्ठायक सूर्य देवता है। सूर्य लोक के आदित्य रोशनी को ही पितृलोक कहा जाता है। पिता याने सूर्य, माता याने चंद्र। पूजा फल, जो पूजा किया है उसका फल भी सूर्य ही देते हैं। इसीलिए मैं कहा आंकड़े के गणपति रखोगे तो आंकड़ा सूर्य का होने से वो गणपति की मूर्ति आपके आज तक किए हुए सभी आराधना का फल और आज जो कर रहे हो वो फल भी आपको देगा। वो गणपति देगा, आंकड़े का गणपति देगा। जो पुण्य आपने किए हैं उसका फल, पूजा फल, पुण्य फल, पूर्वजों की कृपा और पुरुषा, चारों पू है, पू ये चार फल देता है ये आदित्य शक्ति। अब देखते हैं कि पहले आदित्य कौन है, पहला महीना कौन सा बेटा? चैत्र के आदित्य कौन है? इसके ऋषि हैं, इनको प्रणाम करना। आपके जो शक्ति देने वाले गुरु हैं ये पुलस्त्य ऋषि हैं चैत्र महीने के। अपने महीने से चौथा महीना चैत्र आ रहा है तो ठीक, नहीं भी है तो 12 को भी प्रणाम करते समय धाता नाम के आदित्य। देखो सूर्य हर महीने में एक रूप और एक नाम से पूजे जाते हैं। हम ऐसे जनरली ऐसे कह देते हैं सूर्य देवता, लेकिन चैत्र महीने में उस रूप का नाम है धाता। क्या नाम है? धाता। धाता नाम से पूजोगे आपका काम करोड़ गुना सिद्ध होने की शुरुआत करेगा। आप YouTube में देख लेना, जो दूर से देख नहीं पा रहे हो उसमें सब दिखता है। इन ऋषियों को प्रणाम करोगे तो आपका भाग्य गुरु कृपा से फलित हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषि आपके भाग्य स्थान के ऋषि हैं और ये आदित्य आपके भाग्य स्थान के आदित्य हैं जिनका चौथा महीना आ रहा है। Thank you.
इसको ले लिया बेटा, इसको मिटा दे। ये कौन सा महीना चल रहा है? ये जो नाम लिख रहा हूं वो आदित्य का नाम है, इंद्र। श्रावण का आदित्य है इंद्र। अंगिरा ऋषि, इनको याद करना। कल्याण कल्याण का आशीर्वाद कौन देते हैं? इंद्र, अंगिरा ऋषि दे रहे हैं। सावन के बाद कौन सा महीना आएगा? गणेश चतुर्थी आएगी। बजाओ ताली, कितना अच्छा आएगा गणेश चतुर्थी। जय गुरुदेव। और गणेश चतुर्थी में कहाँ रहना है हम सबको? बठिंडा, बठिंडा भगवान, पंजाब, पंजाब चलेंगे पूज्य गुरुदेव के साथ। आनंद आएगा। इनक कम होता है। बाराओं बोलना, बाराओं नाम बोल दिया। हर स्थान का जो जन्म कुंडली में फल है, कोई लाभ स्थान है तो कोई काल स्थान है तो कोई बहन भाइयों का स्थान है, व्यापार स्थान है। किस किस को दिखा? चैत्र महीने में कौन जन्मे हैं? उनका चौथा महीना है आषाढ़। उनके हैं वरुण आदित्य और वशिष्ठ ऋषि। वैशाख महीने में कौन जन्मे? अर्यमा आदित्य है, पुलह ऋषि। ज्येष्ठ महीने में कौन जन्मे? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ महीने का भाद्रपद महीने के विवस्वान नाम के आदित्य वर भृगु ऋषि। आषाढ़ महीने में कौन जन्मे? उनको पूषा नाम का आदित्य वर गौतम ऋषि। ऐसे श्रावण महीने में कौन जन्मे? उनको कार्तिक महीने के पर्जन्य नाम के आदित्य वर भरद्वाज ऋषि। ऐसे सबका आ रहा है। और चार लिखना है ना? नंबर मिटा बस इधर। मार्गशीर्ष कश्यप,
आपके कुंडली में ये गुरु जो ऋषि हैं आपके पुण्य को और आपके जीवन की सफलता को देने वाले ऋषि हैं। इन ऋषियों का ध्यान करके सुबह में 3 बार नाम लेके कभी भी उठ के कोई भी काम में जाओगे, ये ऋषि आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले बनेंगे, जीवन सफलता को प्राप्त करेगा। अब देखते हैं चैत्र महीने में कौन जन्मे हैं, उनका हमने देखा वरुण आदित्य वर वशिष्ठ ऋषि। वैशाख महीने में जो जन्मे हैं उनका हमने देखा इंद्र नामक आदित्य अंगिरा ऋषि। ज्येष्ठ महीने में जो जन्मे हैं उनका है विवस्वान नाम का आदित्य वर भृगु ऋषि। आषाढ़ महीने में जो जन्मे उनका पूषा नाम का आदित्य गौतम ऋषि। श्रावण महीने में कौन जन्मे उनका पर्जन्य नाम के आदित्य वर भरतबाज ऋषि। और भाद्रपद महीने में जो जन्मे हैं उनके अंशु नाम का आदित्य कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि। आश्विन महीने में कौन जन्मे उनके भग नाम के आदित्य वर क्रतु ऋषि। कार्तिक महीने में जो जन्मे हैं उनके त्वष्टा नाम के आदित्य जमदग्नि ऋषि। मार्गशीर्ष महीने में जो जन्मे हैं उनके विष्णु नाम के आदित्य विश्वामित्र ऋषि। पौष महीने में कौन जन्मे उनके दाता नामक आदित्य वर पुलस्त्य ऋषि। लिख लो दाता आदित्य पुलस्त्य ऋषि। और माघ महीने में जो जन्मे हैं उनका अर्यमा नाम के आदित्य वर पुल ऋषि। फाल्गुन महीने में जो जन्मे हैं उनके मित्र नामक आदित्य वर अत्रि ऋषि। आप जहाँ जन्मे हो वो महीने को मिला के चौथा महीना, आपका जन्म महीना एक गिनेंगे फिर 2-3 चौथा महीना, ऐसा करके आप अपने भाग्य के महीने के आदित्य का 108 बार जप सुबह में उठ के करें, जिससे सूर्य तेज शरीर में आए, आरोग्य बना रहें। और हमारे पूर्व पूजा, आज करने वाली पूजा, आज की मेहनत, पहले की मेहनत, पूर्वजों की कृपा और पहले संचित किया हुआ पुण्य चारों आपके जीवन में प्रकट होके ही रहेंगे और जीवन सफल होगा। 108 बार आदित्य का जा और 3 बार सुबह उठते ही वो ऋषि का नाम स्मरण करें नमः बोल के। जो ऋषि हैं पुलस्त ऋषि नमः, पुल ऋषि नमः, अत्रि ऋषि नमः, वशिष्ठ ऋषि नमः, ऐसे अंगिरा ऋषि नमः, भृगु ऋषि नमः, गौतम ऋषि नमः, भरद्वाज ऋषि नमः, कश्यप ऋषि नमः, क्रतु ऋषि नमः, जमदग्नि ऋषि नमः और विश्वामित्र ऋषि नमः।